इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो हमें के की वैल्यू बतानी है, और जो अपना पॉलिनोमियल है एफ एक्स वो हमें दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। तो यहाँ से हमें पता है कि हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है के, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर जो कि एक्स का कोफिशियंट है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी वो भी प्लस फोर जो कि अपनी कॉन्स्टेंट टर्म है। तो ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और अल्फा बीटा यदि इसके जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमें पता है कि रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी माइनस, बी की वैल्यू है फोर, और अपॉन के अंदर ए की वैल्यू क्या रखेंगे के। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरीके से अल्फा डॉट बीटा यानी जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू है फोर अपॉन में ए की वैल्यू क्या है के। तो ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। तो हम लोग लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये वाला रिलेशन कैसे बना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हम लोगों ने बना लिया था। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी सीधे ही। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस फोर अपॉन के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस फोर अपॉन के और इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस टू इंटू अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू फोर अपॉन के है, इक्वल में है 24। तो ये हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस फोर का जो स्क्वायर है वो 16 हो गया जो कि प्लस का होगा, और के का स्क्वायर अपने पास के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर फोर टू जा एट, एट अपॉन के आ जाएगा इक्वल टू अपने पास हो गया यहाँ पर 24। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे अपने पास के स्क्वायर, तो के स्क्वायर से जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, यहाँ पर 16 ही आ जाएगा, माइनस के से जब डिवाइड करेंगे के स्क्वायर को तो के बचेगा, के को मल्टीप्लाई करेंगे एट से तो एट के हो जाएगा इक्वल टू 24। तो अपने पास 16 माइनस 8k और ये के स्क्वायर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 24k स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग या तो सीधे ही 8 कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हैं, या आप लोग इनको भी उधर ले जाएं इक्वेशन बना सकते हैं, 24k स्क्वायर ये माइनस का 8k है उधर जाएगा तो प्लस का 8k हो जाएगा, और ये 16 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस का 16 और इक्वल टू 0। तो इन सभी के अंदर जो कॉमन आने वाली चीज़ है वो क्या है, 8 है। तो 8 3 जा 24, यहाँ पर 3k स्क्वायर हो जाएगा, 8 को कॉमन ले लेंगे तो 1 के बचेगा यानी के लिख दिया, और 8 टू जा 16 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये जो 8 कॉमन आया इसको डिवाइड में भेज देंगे तो 0 अपॉन 8 का मतलब कितना हो जाएगा 0। तो अपने पास जो इक्वेशन बची वो क्या रह गई, 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, के की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, 3 टू जा 6 होता है, यानी माइनस 6 के ऐसे टू नंबर्स हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 और प्लस माइनस करने पर अपने पास प्लस का 1 आ जाए। तो ऐसे वाले दो नंबर्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे, एक तो 3 हो जाएगा और एक माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 टू जा माइनस 6 आ ही जाएंगे, और इसमें से इसको प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में 3 कॉमन आ गया तो 3k कॉमन ले लिया, तो इधर क्या रह जाएगा k प्लस, यहाँ पर 3k कॉमन ले लिया तो 1 रह जाएगा, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो k, और ये माइनस की वजह से यहाँ पर साइन प्लस का हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बच जाएगा, ये हमेशा सेम होने चाहिए। तो आगे अपने पास k प्लस 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और इधर अपने पास k प्लस 1 दोनों में कॉमन ले लिया तो इधर रह गया 3k और इधर रह गया माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इसको भी इक्वल टू 0 कर देंगे, और 3k माइनस टू इक्वल टू इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया। तो k की वैल्यू यहाँ से तो अपने पास प्लस 1 है तो उधर गया तो माइनस 1 आ गई, एक तो k की वैल्यू आ गई माइनस 1, और इसी तरीके से k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का 2 है उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये अपॉन के अंदर 3 आ जाएगा तो 2 अपॉन 3। तो इस तरीके से अपने पास k की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो माइनस 1 और एक 2 अपॉन 3। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।